दत्तात्रेयाय विद्महे अत्रिपुत्राय धीमहि तन्नो दत्त प्रचोदयात्। आदमी सीधा सादा इस दुनिया में जी नहीं सकता, आदमी सीधा सादा, इसलिए मैं बन गया वीरु से वीरु दादा, वीरु दादा। इस दुनिया में जी नहीं सकता, आदमी इसलिए मैं बन गया वीरु से वीरु दादा, वीरु दादा। इस दुनिया में जी नहीं सकता, आदमी सीधा सादा। ये क्या वीरु, तुम हमेशा मुझे पैसे देके निकाल देते हो। तू चाहती है कि तुझसे शादी कर लूं, घर में रख लूं तुझे? अरे साले सेठियों ने बचपन में ही सिखा दिया था कि हर चीज को पैसे से तोलो, चाहे शराब हो या शबाब हो। थोड़ा अगर खाद पर तरस खाकर उसे खाना छोड़ दे तो भूखा न मर जाए। मुझे बचा लो भैया, मुझे बचा लो शैतान से, मुझे बचा लो भैया, मुझे बचा लो शैतान से। अरे ये क्या बचाएगा तुझे, इस दुनिया में एक भी ऐसा मर्द नहीं जो तुझे मुझसे बचा सके। जाता है कि नहीं, क्या नाम है तेरा? बादल की गरज और बिजली की चमक मेरा पता बता रहे, सुनाया नहीं देता क्या? मैंने तुझसे तेरा नाम और पता पूछा है, अपनी तारीफ करने के लिए नहीं कहा। लगता है साले शहर में नया है, मेरू का नाम यहाँ के बच्चे बच्चे की जबान पर है, और तेरा आता पता मैं अभी पूछ लेता। भगवान मेरे लिए पत्थर का टुकड़ा है और कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं मेरे लिए भगवान एक पत्थर का टुकड़ा है।
पत्थर हूँ इंसान नहीं, मैं गम हूँ अरमान नहीं, पत्थर हूँ इंसान नहीं, हाँ जी हाँ ये सच है मुझको फूलों की पहचान नहीं, मैंने फूल बहुत कम देखे काटे बहुत दिया, इसलिए मैं कन्ने चक्कू है। जब तक इस जग में पाप का राज है तब तक जगराज है। हाँ। जगराज क्या चाहिए? जो मुझे चाहिए मेरा मूड नहीं है, फिलहाल मुझे 13-2 करोड़ का सोना चाहिए, सोना चाहिए, सोना चाहिए। लेकिन ये सोना तो स्वराज का है। जब तक जगराज है तब तक कोई गोबराज नहीं है। मेरे कन्ने चंकू है। सारा सोना गोडाउन नंबर 6 में पहुंचा दो। उही मां, ये तो मेरा ही नंबर है। क्या हमारा 2 करोड़ का सोना लूट लिया गया? किसने लूटा हमारा सोना? जगराज ने। वो अंडरवर्ल्ड का एक बेहद खतरनाक आदमी है। जानता हूं, हमारा सोना उससे कैसे वापस मिलेगा? जगराज से सोना वापस लेना शेर के जबड़े से उसका मांस छीनने के बराबर है। फिर इसका इलाज? इसका इलाज है सिर्फ वीरू। वीरू को अगर उसका मुंह मांगा कमीशन दे दिया जाए तो वो आपका माल लोहे की दीवारें तोड़कर भी ला सकता है। टाइम इज ओवर। अस्सलाम वालेकुम। बंदे को इब्राहिम घड़ियाली कहते हैं क्या? ये तुम अपने जगराज सेठ की फोटो देख रहे हो, इसमें जन्मदिन की जगह पर जन्म की तारीख लिखे लिए क्या? पर मरण दिन की जगह पर मौत की तारीख लिखनी बाकी है भाई। मौत की तारीख तो तेरी हम लिखेंगे। जियो मेरे पास क्या परफेक्ट टाइम पर एंट्री मारे लिए, वरना आप उनका तो बैकअप हो गया होता। बैकअप तो इन सालों का होगा। अगर इन्होंने शोभराज का सोना ले जाने से मुझे रोका, टूटे हाथ पैर लेकर ये अपनी बीवियों के पैरों में गिरेंगे। मेरी यकीन
is over. सुना कहाँ है? बताता हूँ, उधर। और है? दादा, और कुछ नहीं। ये है इनके सरदार थू की तस्वीर। जेंटलमैन, अभी थोड़ी देर में मेरे आदमी गोडाउन से सोना यानी कि गोल्ड लेकर आते होंगे। सौदे के मुताबिक हम भी अपना रुपया लेकर आ गए हैं। गुड, बस सिर्फ 2 सेकंड का इंतजार, उसके बाद जी भर कर 2 करोड़ रुपए के सोने का दीदार। ये सबके चेहरे पे चाइना का मैप क्यों बना हुआ है? हैं? ये मेरी तस्वीर कहां से लेकर आए? हमारी ये हालत वीरू ने बनाई, वो हमारा सोना भी लूट कर ले गया। वीरू, और ये तस्वीर उसी ने आपके लिए भेजी है, और साथ में ये भी कहा है कि आपके मरने के बाद ये तस्वीर आपके ड्राइंग रूम की शोभा बढ़ाएगी। नहीं बॉस, मुझे माफ कर दो। नहीं 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 नहीं। बेशर्मो, भांडो, तुम लोगों की वजह से मेरा 2 करोड़ का नुकसान हो गया। अच्छा तो हम चलते हैं मिस्टर जगराज। आपको 2 करोड़ के सोने का जो कुछ करना है करते रहिए। गो! जब तक इस जग में पाप का राज है तब तक जगराज है। पाप की दुनिया में जगराज के बारे में कहा जाता है कि पाप जगराज से ही शुरू होता है और जगराज पर ही आकर खत्म होता है। वीरू ने हमसे दुश्मनी मोल लेकर अपनी जिंदगी को बहुत छोटा बना लिया है। मरने वाली इस जगह पर वीरू की मौत की तारीख हम लिखेंगे, और वो भी उसी के खून से। यू ऑल मैसिव स्टूपिड विल, यू आर अ डॉग। वेल डन, वेल डन। वीरू साहब, 2 करोड़ का सोना देखकर भी तुम्हारी नीयत नहीं बदली? हम काला धंधा करने वालों का साथ जरूर देते हैं, लेकिन हमारा दिल काला नहीं है। बहुत खूब, बहुत खूब। तो ये रहा तुम्हारा 2 करोड़ का 20% कमीशन। इन्हें गाड़ी तक छोड़ दो, और अब मैं किसी दूसरे से नहीं मिलूंगा, समझ गए? जाओ। शोभराज साहब, हमारा बॉस जवान का बहुत पक्का है। क्या रे नकदू,
नकद नारायण जी, क्या क्या नाम रख छोड़े हैं इस दुनिया वालों ने तेरे, तुझे हासिल करने के लिए। मैं जलती सड़ती सड़कों पर नंगे पैर भागा हूँ, जब पेट की भूख बर्दाश्त नहीं हुई और मेरे हाथ पैसे के लिए उठे तो इन साहूकारों ने, इन पैसे वालों ने अपने बूटों के तले मेरे हाथ रौंद दिए। मैं तुझे इस कैद में रखूंगा, तू घुट के मरेगा। जब तुझे सांस नहीं आएगी, जब तुझे सांस नहीं आएगी तब तुझे पता चलेगा कि एक गरीब इंसान तेरे बगैर कैसे मर जाता है, तेरे बगैर कैसे मर जाता है गरीब।
तोड़फोड़ किसने की? किसने चलाई गोली? मैं आपको बताता हूँ इंस्पेक्टर साहब। आप क्यों तकलीफ कर रहे हैं मिस्टर शाहदेव? इंस्पेक्टर साहब, बात ऐसी है कि ये लोग शराब पीकर आपस में ही लड़ रहे थे। इन सब सालों को अंदर कर दो। बस चल दिए। मारपीट का जवाब तो मारपीट से दे देते हो, गोलियों का जवाब गोलियों से दे देते हो, लेकिन मेरे प्यार का जवाब आज तक तुमने कभी प्यार से नहीं दिया। प्यार? प्यार का मतलब मेरे लिए सिर्फ जिस्मानी भूख है, जिस दिन मिटाना चाहो चले आना। क्यों, मिल गया प्यार का जवाब प्यार से? देखिए मिस्टर शाहदेव, मैं आपके होटल में एक डांसर हूँ, सिर्फ एक डांसर, और आपको मेरे पर्सनल मामलों में बोलने का कोई हक नहीं। लेकिन ये बताओ कि तुमने उसे पुलिस से क्यों बचाया? उसको बचाने की दो वजहें हैं। एक, अगर तुम पुलिस के सामने उसका नाम बता देते तो वो तुम्हें वहीं गोली मार देता। दो, उसका नाम वीरू है, जुर्म की दुनिया में उसे खतरों का खिलाड़ी कहा जाता है, और तुम्हारे बड़े भाई महादेव को अपने खतरनाक मिशन के लिए जिस आदमी की जरूरत है वो काम सिर्फ यही खिलाड़ी कर सकता है। ओ, ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? फिर तो तुम उस पर और डोरे डालो, उसे और पटाने की कोशिश करो। भैया, आपका, भाभी का और मासूम मुन्ना का बहा हुआ खून आतिश बनकर 5 साल से मुझे जला रहा है। सोता हूं तो बिस्तर अंगारा बन जाता है, सांसें लेता हूं तो हवाएं चिंगारियां बनकर मेरे सीने में उतर जाती हैं। मेरा इंतकाम एक लावा बन चुका है भैया, जिसे ठंडा करने के लिए मैं हर रोज एक जानवर इस भूखे चीते के सामने डालता हूं। जब तक आपका कातिल जिंदा है, मैं एक पल भी चैन से नहीं बैठ सकता। महादेव, हम दोनों भाइयों के सीने की चिंगारियां अब बहुत जल्द ठंडी होने वाली हैं। वो कैसे? बहुत दिनों से हमें अपने मिशन के लिए जिस बहादुर आदमी की जरूरत थी वो आज मिल गया। कौन है वो? उसका नाम वीरू है, और वो पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है। काम खतरनाक है, तुम्हें यकीन है कि वो कर पाएगा? उसके बारे में मशहूर है कि वो अपने सर में आग, जिसमें तेजाब और बाहों में बारूद लिए घूम रहा है। गुड, वेरी गुड। इसका मतलब है बहुत जल्द हम इस खूंखार चीते की भूख अपने दुश्मन के गोश्त से मिटाएंगे। सहदेव, वीरू के बारे में मुझे और भी जानकारी चाहिए।
शक का आदमी सीधा साधा। यार उस नील परी को तो देखो, उसकी सैंडल कितनी खूबसूरत है। उतारू? अरे मेरे को तो उसकी स्लैक्स पसंद है। इन मवालियों की तरफ ना देखने की जरूरत है और ना इनसे बात करने की। चलो नाश्ता करते हैं। दोस्तों, जो हमारे ग्रुप की बेइज्जती करता है उसके साथ हम लोग क्या करते हैं जानते हो ना? लड़का लड़की जब एक दूसरे का झूठा ड्रिंक पीते हैं तभी उनकी मोहब्बत का पता चलता है। इसलिए तुम मेरा ये झूठा ड्रिंक पी लो और इन सबको बता दो कि तुम्हें मुझसे अभी अभी मोहब्बत हुई है। कमॉन ड्रिंक, यू बास्टर्ड, कमॉन ड्रिंक, पियो। मेरा हाथ छोड़ो। नहीं छोड़ूंगा, पियो। हाथ छोड़ दोगे? नहीं नहीं। हमारे खानदान में आज तक किसी ने लड़की का थप्पड़ नहीं खाया। बेटे, गाल पर लगे हुए थप्पड़ के निशान भले ही दो दिन में मिट जाए, लेकिन दिल पर लगे हुए निशानों को तब तक नहीं मिटाना जब तक तुम बदला ना ले लो। आप अपने ही हाथों से बेटे को खराब कर रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, इसे खराब करना नहीं, जिंदगी के उसूल सिखाना कहते हैं। हम चाहते हैं कि अमित दुनिया को बताए कि हम उस गैस के व्यापारी है जिसकी वजह से घरों में खाना बनता है, लेकिन वक्त आने पर उसी गैस से हम घर को जलाकर राख भी कर सकते हैं। तुम अपने आप को समझती क्या हो? हाँ, मेरा जोरदार थप्पड़ खाकर भी तुम्हें पता नहीं चला? बेहतर होगा तुम सब चले जाओ यहाँ से। मैं तुम जैसे लफंगे से बात तक करना नहीं चाहती। तूने अभी तक मुझे पहचाना नहीं है। छोड़ दो मेरा हाथ। कल तो मैंने तुझे शराफत से छोड़ दिया था, लेकिन आज तुझे नहीं छोड़ूंगा। बांदा पुलिस स्टेशन। तुम्हारा मारा हुआ थप्पड़ अभी भी मेरे गाल पर चल रहा है। अब ये जलन उसी वक्त ठंडी होगी जब तुम अपने होठों से मेरे गाल पर किस करोगी। मैं और तुम्हें किस करूंगी? ये कभी नहीं हो सकता। हो सकता है, तुम मुझे नहीं जानती। मैं इस शहर के इज्जतदार और सबसे बड़े रईस सेठ गोलानंद का इकलौता बेटा हूं। आज तक जो चाहा है उसे हासिल किया है। नाउ कम ऑन, गेस फास्ट। मैं मर जाऊंगी लेकिन तुम्हारी इज्जत कहीं पूरी नहीं होने दूंगी।
लगता है अब मुझे खुद ही तुम्हारे होंठों को चूम कर ये जलन ठंडी करनी होगी। तुम मुझे अंदर बंद करके बहुत बड़ी भूल कर रहे हो इंस्पेक्टर। तुम नहीं जानते कि मैं सेठ गुलानंद का बेटा हूं। शट अप! बाप की धमकी देता है। अब तो बेटा रेप का ऐसा केस बनाऊंगा कि 7 साल के लिए सीधा अंदर जाएगा, समझे? 7 साल तो बहुत बड़ी बात है इंस्पेक्टर। तुम मुझे 7 घंटे के लिए भी अंदर नहीं रख सकते। शट अप! रेखा बेटी, तुम चिंता मत करो, तुम एक कंप्लेंट लिखकर दे दो किसने तुम्हारा रेप करने की कोशिश की। सब बेकसूर हैं। इन्होंने मेरे साथ कोई गंदा बर्ताव नहीं किया, इसलिए इन्हें छोड़ दिया जाए। ये क्या बेटी? I'm sorry, अंकल। आगे कुछ मत पूछिए। हैं? ये तुमने क्या किया रेखा? मैंने जो कुछ भी किया ठीक किया। दूसरों की इज्जत और शराफत से खेलना इन रईसजादों का शौक है, हमारा नहीं। बाप की कमाई पर पलने वाले घर में बैठकर मुफ्त की रोटियां तोड़ते हैं, लड़कियों को छेड़ते हैं, इनकी पहचान ही क्या है? और वैसे भी इनकी जिंदगी का कोई मकसद नहीं। समझौता डरपोक और मरे हुए लोग चाहते हैं, हम नहीं। क्यों? वीरू दादा की दहशत से जगराज के इलाके की जमीन कांपने लगी क्या सेठ? वीरू भाया, थूक दो गुस्से को और थाम लो दोस्ती का हाथ। अरे उस साले का कोई भरोसा है? कब आंखें बदल ले? वो सांप है सांप। अजीवा गारंटी मैं लेता हूँ, कोई गड़बड़ नहीं होगी। और सुनो, समझौते की जगह अपनी मर्जी की बता दो। जगह की कोई प्रॉब्लम नहीं है जवानी सेठ। समझौते की जगह शेरों का जंगल हो चाहे मगरमच्छों का समंदर, बॉस को या बॉस के चमचे को कोई फर्क नहीं पड़ता। आउच! क्या हुआ? दुखता है क्या? मेरे कान के झुमके मर गए। आउच! आइए ना। जब तक इस जग में पाप का राज है तब तक जगराज है। वीरू, तुमने बिल्कुल सही कहा था कि मैं एक सांप हूँ। सांप के दांत भले तोड़ लो लेकिन वो फुंकारना कभी नहीं भूलता। और फिर बदकिस्मती से मेरे तो जहरीले दांत अभी तक बाकी हैं। वीरू, इस बार मैं तुम्हें ऐसा डसूंगा कि मरते वक्त मुंह से पानी का लफ्ज निकालना आए हाय 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 बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मेरे कन्ने चक्कू है, नहीं नहीं पिस्तल है। कैसा लगा मेरा समझौता? हाय अल्लाह, सबकी प्लेटों के नीचे से पिस्तौल निकल रहे हैं। मेरी निगोड़ी प्लेट के नीचे क्या है देखूं। हाय री निगोड़ी। ये क्या है? हाय हाय, डर गया क्या? ये बड़े बड़े हथियारों की हूं कर देता है। लोग वीरू का स्वागत पिस्तौल से करते हैं और वीरू लोगों का स्वागत फूलों से करता है।
जगराज साहब, कैसा रहा हमारा फूलों का नजराना? आज आपका जन्मदिन है, मुस्कुराइए। हैप्पी बर्थडे टू यू। जगराज के चमचो, एक बात सुन लो। इस जगह के कोने कोने में मैंने बम लगा रखे हैं। किसी ने जरा भी शरारत की तो बटन दबाऊंगा और वो वहीं ढेर हो जाएगा। सैंपल देखना चाहते हो तो देख लो। क्यों रे जग्गू? आउच। समझौते के लिए बुलाया था? कागज पेंसिल नहीं रखा तूने? खैर, दस्तखत तो करने ही पड़ेंगे। ये ठीक है। नाउ नाउ आओ। आज के बाद आईने में जब भी तुम अपना थोबड़ा देखोगे तो हमारे ये दस्तखत तुम्हें आज के इस फूलों भरे समझौते की याद दिलाएंगे। मुझे गलत समझ रही हो। हर जगह मेरा पीछा कर रहे हो और कह रहे हो कि मैं तुम्हें गलत समझ रही हूँ। तुमने कहा था कि पाप कमाई पर जीने वाले लोगों की कोई पहचान नहीं होती, इसलिए मैं खुद मेहनत करके अपनी पहचान बनाना चाहता हूँ। तो मेरा पीछा करके पहचान बनाई जा रही है? मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा हूँ। ये रेस्टोरेंट, ये पेट्रोल पंप, ये स्टोर, सब कुछ हमारे हैं। मैं तो यहाँ सिर्फ काम कर रहा हूँ। बड़े आए काम करने वाले। मैंने घर में बैठकर मुफ्त की रोटियां तोड़ना बंद कर दिया है। इन हाथों ने मेहनत करना सीख लिया है। जानती हो क्यों? क्योंकि मैं तुम्हें चाहने लगा हूं, तुमसे प्यार करने लगा हूं, तुमसे मोहब्बत करने लगा हूं। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, अंडरस्टैंड? करती हो,
यहाँ तक कि मुझे डॉक्टर बनाने के लिए होटलों में नाश्ते आती तक हो। मम्मी डैडी का सपना था कि मैं डॉक्टर बनूं, मगर ऐसा नहीं हो सका। मैं तुझे डॉक्टर बनाकर उनका सपना पूरा करना चाहती हूँ। लेकिन दीदी, इसके लिए बहुत पैसों की जरूरत पड़ती है, यहाँ तक कि डोनेशन भी। तुझे डॉक्टर बनाने के लिए कितने ही पैसों की जरूरत क्यों ना पड़े, मैं लाऊंगी। चाहे इसके लिए मुझे तकदीर के हाथों का मोहरा ही क्यों ना बनना पड़े। वीरू रुपए के लिए काम जरूर करता है, लेकिन रुपया उसकी कमजोरी नहीं है। जहां रुपया काम ना दे, वहां किसी और हथियार का इस्तेमाल करना चाहिए। और दुनिया में औरत से बड़ा हथियार कोई नहीं। ये लो एडवांस, तुम्हें हर हालत में वीरू को इस मिशन के लिए तैयार करना है। कहते हैं औरत के हुस्न का निशाना कभी खाली नहीं जाता। जब तक इस जग में पाप का राज है, तब तक जग राज है। वीरू का लगाया हुआ मेरे चेहरे पे ये घाव ज्वालामुखी की तरह मेरे पूरे शरीर में दहक रहा है। जगराज सेठ, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं? जो काम लंबी लंबी तलवारें नहीं कर सकती, वही काम कभी कभी एक छोटा सा दिमाग कर सकता है। मैं चाहता हूं कि कानून की धार से वीरू की नब्ज काट दी जाए। मेरा नाम है इंस्पेक्टर दिवाकर, जो पहुंचाता है बड़े घर। फिर भी आप बताइए कि वीरू की नस मैं ब्लेड से किस तरह काटूं? मुझे खबर मिली है कि वीरू इस वक्त अपने घर में एक कैबरे डांसर के साथ मौजूद है। मैं चाहता हूं कि तुम उस कैबरे डांसर को धंधा करने के इल्जाम में गिरफ्तार कर लो। जाहिर बात है कि वीरू उसे बचाने की कोशिश करेगा, और तुम एक पुलिस ऑफिसर होने के नाते ऐसे हालात पैदा कर देना कि वीरू तुम पर आक्रमण करने की कोशिश करे, और फिर तुम्हें उसे गोली मारने का बहाना मिल जाएगा। गुड। और फिर कल के अखबारों की हेडलाइन ये होनी चाहिए कि पुलिस मुठभेड़ में एक खतरनाक गुंडा वीरू मारा गया। समझ गए ना? समझ गया। और ये तुम्हारे लिए। हट, ये टोपी में। ये क्या? और चाहिए, ये लो। खुश? तुमने ये रुपए फेंककर मेरे प्यार को एक भद्दी गाली दी है। ये रुपए नहीं, नश्तर है,
जो तुमने मेरे प्यार भरे दिल पर चलाए हैं। प्यार? ये शब्द एक दफा पहले भी तुम्हारे मुंह से सुन चुका हूं क्लब में। हम नहीं जानते इसका मतलब क्या है। हमारे लिए तो मेम साहब ये हवस है जिसे मिटाने के लिए हम खूबसूरत से खूबसूरत जिस्म खरीद लेते हैं। औरत को सिर्फ एक जिस्म समझने वाले मर्द, तुमने कभी ये भी सोचा है कि उस जिस्म के अंदर एक आत्मा भी रहती है? आत्मा? मजबूरी के नीलाम घर में आत्मा कोड़ियों के मोल बिकती है। नोटों के बंडल देखकर जिस्म खुद ब खुद बिक जाते हैं, जमीर बिक जाते हैं। खरीदार चाहिए, और आज इन तमाम चीजों का सबसे बड़ा सौदागर मैं हूं। मैं सौदागर? हाँ, मुझे तो तुम अपने ही सौदेबाजी में डूबे हुए एक व्यापारी नजर आते हो। मेरा जमीर और आत्मा तो दूर की बात है, भूल जाओ कि तुम कभी भी मेरा जिस्म खरीद सकते हो। हमारी जिंदगी में आई हुई तुम पहली लड़की हो जिसने हमारी दी हुई बख्शीश को इस तरह गुस्ताखी से फेंका है। लगता है तुम्हारा जमीर अभी जिंदा है, लेकिन हमारा जमीर तो इस जमाने ने बचपन में ही कुचल दिया था। इतनी नफरत दी थी इस जमाने ने हमें, हम जिंदगी भर इसे लुटाते रहे तो भी शायद कभी खत्म ना हो। लगता है नफरत ने तुम्हारे शरीर में इतनी ज्यादा जगह घेर ली है कि मोहब्बत के लिए जगह रही ही नहीं। वरना इतना जरूर जानते कि जब कोई लड़की पहली बार अपने आप को एक मर्द को सौंपती है तो वो उससे सच्चा प्यार करती है। लेकिन एक बात याद रखना वीरू, मोहब्बत एक ऐसा अमृत होता है कि जिसकी एक बूंद भी अगर तुम्हारे जिस्म में उतर जाए तो ये दुनिया तुम्हें सबसे ज्यादा खूबसूरत नजर आएगी, और उस दिन तुम पछताओगे कि तुमने अपनी जिंदगी का एक एक लम्हा यूं ही बर्बाद कर दिया, और तब तुम्हें मेरी याद आएगी। इंस्पेक्टर दिवाकर, जो पहुंचाता है बड़े घर, तो हमें सही खबर मिली है। कैसी खबर? यही कि आजकल तुम होटलों में नाचने और गाने के साथ साथ धंधा भी करती हो। अरे ओ इंस्पेक्टर, जबान संभाल कर बात करना। तमीज की बात वो आदमी कर रहा है जो शहर में खुद बदनाम हो, और वो भी उस लड़की के लिए जो होटल में बेहाई से नाचती और गाती है। चल मेरे साथ। ये उन बाजारी लड़कियों में से नहीं है। आधी रात को कोई बदनाम लड़की किसी बदनाम आदमी के घर से निकले, उसका क्या मतलब है? इसका मतलब वो नहीं होता जो तुम्हारा गंदा दिमाग सोच रहा है। इसका मतलब तो पुलिस स्टेशन में मैं इस धंधे वाली से पूछूंगा। इंस्पेक्टर दिवाकर पे हाथ उठाता है। पुलिस
कैसी तबीयत है आपकी? आपने मेरी जान बचाई, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ठीक हूँ। शुक्र है साईं बाबा का। लीजिए चाय पीजिए, मैं काम से बाहर जा रही हूँ, दोपहर में आऊंगी और आपके लिए खाना बनाऊंगी, ठीक है? ये रहा सिगरेट का पैकेट, शेविंग का सामान। मदन, वो देख, अमित की वॉशबुक। क्या रेखा, रेखा मेरे लिए शॉपिंग कर रही थी? कहाँ देखा उसे तुम लोगों ने यार, एक घंटे से उसका इंतजार मैं खुद कर रहा हूँ। तेरे स्टोर में देखा यार, मर्दों वाली चीजें खरीद रही थी। मर्दों वाली चीजें यार, अपनी तो कुछ समझ में नहीं आया यार। ऐसा तो नहीं कि रेखा तुमसे प्यार का नाटक कर रही हो या दिल किसी और को दिया हो? एक बात कान खोल कर सुन लो, अगर दोबारा रेखा के बारे में ऐसी गलत बात की ना, तो मैं तुम दोनों को चांद से मार डालूंगा। समझ? ये रहे आपके नए नए कपड़े और ये दवाइयां, ये फ्रूट्स और ये विस्की की बोतल। उस रात आपने मुझे पुलिस से छुपाया, मेरे जिस्म से खुद ही गोलियां निकाली, मेरी जान बचाई, आज ये सब मेरे लिए लेकर आई हैं। मैं आपका एहसानमंद हूं, लेकिन आप ये सब क्यों कर रही हैं? आप तो जानती भी नहीं कि मैं कौन हूं। मैं जानना भी नहीं चाहती। मैंने आपको इसलिए बचाया क्योंकि पुलिस से मुझे सख्त नफरत है, और आप इन चीजों को जो एहसान कह रहे हैं वो एहसान नहीं, एक छोटी बहन का फर्ज है। ये क्या इतनी जोर जोर से हॉर्न बजा रहे हो? सारी बिल्डिंग वालों के सामने तमाशा दिखाना चाहते हो क्या? आज मैं सारी बिल्डिंग को ही नहीं, सारी दुनिया को तमाशा दिखाना चाहता हूँ कि तुम सिर्फ मुझसे और मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। रेखा, मैं बिजनेस के सिलसिले में दिल्ली जा रहा हूँ, सोचता हूँ कि जाने से पहले तुम्हें अपने मम्मी डैडी से मिला दूँ। मिलोगी ना? कम से कम लो, 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 लो।
खिलाओगी आखिरी वाला भैया, चलो खाओ ना। इसे तो निकल लेने दो। अरे भैया तुमने तो ये पी नहीं, बड़ा चिल्ला रहे थे कि पूरी बॉटल पी जाऊंगा। लो देखा, बचपन से ना माँ की ममता मिली, ना बाप का लाड प्यार, ना बहन भाइयों की मोहब्बत नसीब हुई, इसलिए शायद एहसास नहीं हुआ कि रिश्तों की क्या वक्त होती है, उनकी क्या अहमियत होती है। आज तुमने इस बात का एहसास दिला दिया कि जिस औरत को मैं आज तक एक खिलौना समझ कर खेलता रहा, वो एक महान माँ भी हो सकती है, अंधा प्यार करने वाली बहन भी हो सकती है। अंधा प्यार करने वाली बहन अपने भाई की बुरी लत को पूरा करने के लिए एक बोतल शराब की खातिर अपने गले में पड़ा हुआ लॉकेट तक बेच सकती है। तूने मेरी आत्मा को झंझोड़ दिया है रेखा, तूने मेरी आत्मा को झंझोड़ दिया है। तेरे प्यार का ये कर्ज शायद मैं कई जन्म लेकर भी पूरा ना कर सकूं, लेकिन आज मैं अपनी बहन से इतना वादा करता हूं कि मैं एक नेक इंसान बनने की कोशिश करूंगा। डैडी, ये रही आपकी कहूँ। ओ, कल्याण मस्तु। वाह बेटे वाह, तुम तो लड़की पसंद करने में अपने बाप के भी गुरु निकले। ओ, थैंक यू डैड। डैडी, मम्मी, मम्मी कहाँ? अरे अपने बहू के लिए नेकलेस लाने बाजार गई है। बेटे, बहू मुझे पसंद आई, बहुत पसंद आई। डैडी, यू आर ग्रेट डैडी। अमित बाबू, आपका फ्लाइट का टाइम हो गया। हाँ बेटे, तुम एयरपोर्ट के लिए निकलो, बेस्ट ऑफ लक। और रेखा, एयरपोर्ट जाते जाते तुम्हें रास्ते में घर छोड़ देता। अच्छा जी। अरे अमित बेटे, हमने अभी तक अपनी बहू को जी भर के देखा भी नहीं, और फिर बहू को भी अपना ससुराल देखने दो। आखिर शादी के बाद उसे इसी घर में रहना है। तुम्हारी माँ भी अभी आती होगी, प्यारी प्यारी बहू को देखकर वो कितना खुश होगी। हाँ डैडी, यू आर करेक्ट। देखा, मैं बहुत जल्दी दिल्ली से वापस आ जाऊंगा। अपना ख्याल रखना। बाय बाय डैडी। बाय। बाय बाय। आओ बेटी, तुम्हें तुम्हारा ससुराल दिखाता हूं। आओ।
और ये है वो रूम जिसमें शादी के बाद तुम और अमित रहोगे। खाली है ना? जी। आओ। ये कपड़े रखने की अलमारियां खाली है ना? जी। आओ। ये सोने के और हीरे के जेवरात रखने के बॉक्सेस हैं। खाली है ना? ये तिजोरी है नोटों के बंडल रखने की। खाली है ना? बात यह है कि कल ही यह सब सामान खाली किया गया है, क्योंकि अमित कह रहा था कि तुम एक बहुत बड़े करोड़पति बाप की बेटी हो और जाहिर है कि शादी के बाद तुम ढेर सारे जेवरात और सामान लेकर आओगी और उन सब चीजों को रखने के लिए जगह तो चाहिए ना, इसलिए मैंने पहले से ये सब जगह खाली की है। देखिए, लगता है अमित ने आपसे झूठ कहा है। मैं किसी करोड़पति बाप की बेटी नहीं हूँ। ओह, आई सी। फिर मेरे बेटे को हमेशा हमेशा के लिए भूल जाओ। हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। लेकिन मैं सिर्फ पैसों से प्यार करता हूँ और पैसा मुझसे। ठहरो, एक बात और सुनती जाओ। अगर तुम्हारी रगों में शरीफ माँ बाप का खून है तो हमारी इस बातचीत की जिक्र तुम अमित से नहीं करोगी। तूने तो भाई को हक नहीं दिया कि मैं आके तेरे रिश्ते की बात करता। तुम कहने की जरूरत नहीं, तेरे आंसू बता रहे हैं कि इस घर में तेरा स्वागत कैसे हुआ है। ये तेरी भाषा नहीं समझ सके, आज इन्हें मैं समझाऊंगा अपनी भाषा में। ए, कौन हो तुम? कालिए सेठ, मेरा नाम वीरू है और मैं अपनी छोटी बहन रेखा की शादी की बात तुम्हारे बेटे अमित के साथ करने के लिए आया हूँ। मगर अगर आप रखिए अपनी जेब में, देखिए रेखा की शादी आपके बेटे अमित से होगी, नहीं तो अमित की शादी नहीं होगी। घबराइए नहीं, ये तो मैंने सिर्फ अपना इरादा बताया है। आप बताइए आपका इरादा क्या है? 50 लाख रुपया चाहिए। 50 लाख? तो क्या 50 लाख कम है? 50 लाख आपके लिए ज्यादा होंगे मगर मेरी बहन की शादी के लिए बहुत कम है। आप शादी की तारीख पक्की कीजिए, 50 लाख आपको मिल जाएंगे। मिल जाएंगे और मिलने में बहुत फर्क है। 15 दिन के अंदर अगर मुझे 50 लाख रुपया नहीं मिले तो इस घर के दरवाजे भूल जाइए। भिखारी कहीं का। इससे बड़ी गाली मैं भी तुझे दे सकता हूँ सेठ। एक बात सुन ले, जब तक 50 लाख तेरे मुंह पर नहीं दे मारूंगा मैं रेखा और अमित की शादी की बात नहीं करूंगा। क्या हुआ? किसने मारा तुझे? और ये रुपया कौन ले गया?
जगराज, बॉस, जगराज अपने आदमियों के साथ आया था, उसी ने तमाम माल लूट कर ले गया। जगराज, आओ वीरो, 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 वीरो। मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। सामने आप बुजदिल, कहां छुपा रखा है मेरा रुपया? क्यों पागलों की तरह चिल्ला रहा है? अरे तुम्हारा रुपया बड़ी हिफाजत के साथ तुम्हारे सामने ही तो पड़ा है। लेना है? अच्छा ले लो। मेरे कन्ने चक्कू है, बेवकूफ कहीं के, ये जो कांच की दीवार है ना, ये बुलेट प्रूफ है। तेरी कोई भी गोली मेरी छाती तक नहीं पहुंच सकती, चला जितना चलाना है। छोड़ दो मुझे, मैं उसे जान से मार डालूंगा। पागल हो गए हो क्या वीरू? हाँ पागल हो गया हूँ, पागल ही हो गया हूँ। तुम नहीं जानते उसने मेरे सारे नोट चला डाले। मगर तुम तो कभी नोटों से प्यार नहीं किया करते थे। अभी मुझे नोटों से कोई प्यार नहीं, लेकिन आज एक बहन के लिए भाई को रुपयों की जरूरत थी। भाई बहन? हाँ भाई बहन। पुलिस जब मेरा पीछा कर रही थी, उस रात मैंने एक घर में पनाह ली, जहां एक मासूम लड़की ने पुलिस से बचाने के लिए मां की तरह मुझे अपने सीने में छुपा लिया, एक बहन की तरह मेरी तीमारदारी की, मेरी शराब मेरी दवाओं के लिए उसने अपना लॉकेट तक बेच डाला, और आज जब उसकी शादी के लिए मुझे 50 लाख की जरूरत है, मैं बेबस हूं। बिना अगर 50 लाख नहीं मिले, उस बेचारी की शादी उस लड़के से नहीं हो सकेगी जिसे वो जी जान से चाहती है। लेकिन जगराज को मारने से तुम्हें क्या मिलेगा? अगर पकड़े गए तो या जेल मिलेगी या फांसी। फिर तुम्हारी बहन का क्या होगा? उसकी शादी कौन करवाएगा? वीरू, अगर ये 50 लाख रुपए मैंने तुम्हें दिलवा दिए तो? लेकिन 50 लाख मुझे देगा कौन? हम देंगे तुम्हें, मगर 50 लाख नहीं, 60 लाख। ऐसा कौन सा मिशन है जिसके लिए आप 60 लाख खर्च करने के लिए तैयार हैं? एक कैदी को जेल से भगा कर लाना है। कोई दोस्त है? नहीं, वो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, और हमने सौगंध खाई है कि अपने चीते की भूख उसके गोश्त से मिटाएंगे। इस मिशन में कैदी पर काबू पाने के साथ साथ अपने आप को भी बचाना होगा, क्योंकि इस मिशन पर भेजे गए पहले दो आदमी कुत्तों और गोलियों का शिकार हो चुके हैं। जेल बहुत ही खतरनाक जगह पर है, वहां पर पहुंचना तकरीबन नामुमकिन। कौन सी जेल है वो? थामकपुर जेल में। ये पहाड़ी इलाका हल्दी घाटी कहलाता है। थामकपुर जेल से 25 किलोमीटर दूर इस पहाड़ी इलाके में कैदियों को खुदाई के काम के लिए लाया जाता है, और हमारा कैदी भी यहां हर रोज आता है। पहाड़ी के जितने हिस्से में खुदाई का काम चल रहा है, वो तमाम हिस्सा कांटेदार वायर फेंस से घिरा हुआ है। आदमी तो क्या, मच्छर का भी वहां से गुजरकर जिंदा वापस आना नामुमकिन। फिलहाल 10 लाख एडवांस चाहिए मुझे। ये रहा 10 लाख रुपया एडवांस। और ये रहा हमारा दुश्मन चंद्रकांत।
पिताजी आपने मुझे मना किया था कि मैं आपको जेल में पत्र कभी ना लिखूं, लेकिन जिंदगी में जो खुशी मुझे हासिल हुई है उसे बताने से मैं आपको रोक नहीं पाई। पिताजी एक बहुत बड़े घराने का लड़का मुझसे प्यार करने लगा है और हम दोनों जल्दी ही शादी करने वाले हैं। भगवान का करिश्मा देखिए, उसने मेरे लिए एक फरिश्ते जैसा भाई भेज दिया। उसका नाम है वीरू। उसे मेरी शादी की उतनी ही चिंता है जितने एक सगे भाई को हो सकती है, और वो इस वक्त मेरी शादी के लिए 50 लाख रुपए का इंतजाम करने गया है। आपकी बेटी रेखा। भगवान, मैं समझता था कि तू मुझसे रूठ गया है, लेकिन तू अब भी मेरे साथ है। मैंने आज तक तुझसे कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज मांग रहा हूं। वो फरिश्ता मेरी बेटी की शादी के लिए 50 लाख रुपए का इंतजाम करने गया है, उसको उसके मकसद में कामयाब बनाना। मुतबर्रिक रात है, वो देखो आसमान पर रमजान का चांद निकल आया है। यानी अब से तेरे रोजे और नमाज शुरू। हाँ दादा, एक मुसलमान के लिए रमजान से ज्यादा और कोई मुबारक महीना नहीं। इब्राहिम, अल्लाह मुझसे क्या दुआ मांगी? मेरी तो अल्लाह ताला परवरदिगारे आलम से हमेशा एक दुआ रही है, घड़ियाली का दम जब भी निकले अपने यार की बाहों में निकले। इस दुनिया में मेरे अपने सिर्फ दो ही तो हैं, एक तुम और दूसरी ये घड़ी। और जानते हो दादा, मेरे साथ साथ मेरी ये घड़ी भी तुमसे बेहद प्यार करती है। देखना, जिस दिन मैं दम तोड़ूंगा ना, उस दिन तुमसे जुदा होने के गम में मेरी ये घड़ी भी मेरा साथ छोड़ देगी। अच्छी बात है कि अगर मेरे साथ जा रहा है, अच्छे काम के लिए जा रहे हैं, बकवास मत किया कर। टाइम इज ओवर उस्ताद, मैं चलता हूं, सवेरे सहरी के लिए उठना है। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। तुम यहां? हाँ, मैं। मेरे मना करने के बावजूद तुम यहां चली आई? जानती नहीं इस खतरनाक काम में तुम्हारी जान। तुम्हारे लिए जान तो क्या, अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हो, आजमा कर देख लो। हाँ,
शिवाय नागेंद्र हाराय त्रिलोक्यनाय। अमित कब आए दिल्ली से? बस अभी अभी। अब जल्दी से बताओ, उस दिन मेरे डैडी ने और क्या कहा तुमसे? हेलो, एक बात और सुनती जाओ। अगर तुम्हारी रगों में शरीफ माँ बाप का खून है तो हमारी इस बातचीत का जिक्र तुम अमित से नहीं करोगी। क्या हुआ रेखा? कुछ नहीं, तुम्हारे जाने के बाद उन्होंने मुझे सारा बंगला दिखाया, एक एक कमरा खोलकर दिखाया और कहा कि तुम इस घर की होने वाली बहू हो। मैंने दिल्ली से फोन करके डैडी से बात की थी, उन्होंने बताया कि शादी की बात उन्होंने तुम्हारे भाई से की है। रेखा, तुमने कभी बताया नहीं कि तुम्हारे भाई भी है? हाँ, जिंदगी में कुछ रिश्ते अचानक बन जाते हैं, जैसे कि तुम मेरी जिंदगी में अचानक चले आए। कब मिलाओगी मुझे अपने भाई से? Help me. Yeah.
में जहर नहीं फैलेगा। मेरा रोजा टूट जाएगा। मैं इफ्तारी से पहले कुछ नहीं खा सकता बॉस। लेकिन तुम्हें बचाने के लिए ये जरूरी है। मौत के डर से अगर रोजा तोड़ दूंगा तो फिर खुदा को क्या मुंह दिखाऊंगा? खड़ियाली, गोली तो निकालनी होगी ना। बस कुछ देर और रुक जाओ दादा, रोजा खोलने का वक्त बिल्कुल करीब है। इस गोली के साथ मेरी चंद सांसें रुकी हैं और मैं रोजा पूरा करके मरना चाहता हूं। मरने से पहले इस बात की खुशी है कि मैंने अपने यार को एक अच्छा इंसान बनते हुए देख लिया, लेकिन एक हसरत दिल में रह गई। जिस रेखा बहन की शादी 50 लाख का इंतजाम करने मेरा यार वीरू निकला है, उस रेखा बहन की शादी में मैं शरीक नहीं हो सकूंगा। रोजा इफ्तारी का वक्त हो चुका है बॉस। लगता है कहीं आसपास ही मस्जिद है। मेरे मोहसिन, मुझे आखिरी बार अपने हाथों पर उठाकर अल्लाह के घर तक ले चलो। आ आप लोग कौन हैं? इन्हें क्या हुआ है? मौलाना साहब, ये मेरा यार है, जख्मी हो गया है, रोजे से है, इसे रोजा खोलना है। जरूर जरूर। ये लीजिए। मेरे मौला, तेरा लाख लाख शुक्र कि तूने मरने से पहले इतनी मोहलत तो दी कि मैं अपना रोजा खोल सकूं। करेले मेरे मालिक, मैं तेरे दरबार में आ रहा हूं इस हकीर बंदे के गुनाहों को माफ करना। करेले दादा, हम हर साल ईद पर गले मिलते रहे हैं, लेकिन अब शायद कभी ना मिले, इसलिए मुझे आखिरी बार अपने गले से वेलकम वीरू, वेलकम। आज मैं बहुत खुश हूं क्योंकि तूने मेरी जिंदगी की पहली और आखिरी ख्वाहिश पूरी की है। आपकी इस ख्वाहिश के नाम पर इनका सबसे अजीज दोस्त घड़ियाली मारा गया। ओह, इस बात का मुझे अफसोस है। ये रहे पूरे 50 लाख और इसके साथ तुम्हारा हमारा सौदा भी खत्म। और इसके साथ ये भी भूल जाना कि तूने कभी हमारे साथ एक कैदी का सौदा किया था। वीरू को सौदेबाजी समझाने की कोशिश मत करना, समझ गए? तुम्हारा कैदी पिछली सीट पर है। क्या हुआ? रो क्यों ये पगली?
अरे भैया, क्या क्या बात किया है मुझे बताना। कोई मेरे पिताजी को मार देना चाहता है, कोई उनके जान का दुश्मन बना है। अरे पिताजी, तुमने पहले तो कभी जिक्र नहीं किया। वो जेल में थे, उनके दुश्मन उन्हें मारने के लिए उन्हें जेल से उठा ले गए। ये देखिए। पिताजी पर इल्जाम था कि उन्होंने अपने सेठ, उनकी पत्नी और उनके बेटे की हत्या की है। अदालत ने उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई, मगर उनके दुश्मन उन्हें जान से मार देना चाहते हैं। लेकिन मैं जानती हूं मेरे पिताजी बेकसूर हैं, वो कभी किसी की हत्या नहीं कर सकते। तभी से मुझे कानून से नफरत हो गई, इसलिए उस रात मैंने आपको पुलिस से बचाया था। भैया, मेरे पिताजी बेकसूर हैं, एकदम बेकसूर। तुम्हारी सौदेबाजी समझ में नहीं आई। ये रहे तुम्हारे 50 लाख, सौदा खत्म। मैं इन्हें अपने साथ ले जा रहा हूं। हाँ ले जाना, मगर मुर्दा। ये बेकसूर हैं, मैं इन्हें जिंदा ही लेकर जाऊंगा। तूने अपनी जिंदगी पर हमारी दुश्मनी लिखकर बहुत बड़ी भूल की है वीरू। बचपन से लेकर आज तक दुश्मन ही मिले हैं, यार तो एक ही मिला था, वो भी साथ छोड़ गया। वीरू से दुश्मनी आजमाने के जितने तरीके आते हैं आजमा लेना, बहुत महंगे पड़ेंगे। भैया, ये सब क्या हुआ? कहाँ चले गए थे आप? कुछ नहीं देखा, मैं तुम्हारे पिताजी को बचाने के लिए गया था। मेरे पिताजी? हाँ। वो आपको कहाँ मिले? आप उन्हें कैसे जानते हैं भैया? दरअसल तुम्हारे पिताजी को जेल से भगा कर लाने वाला मैं ही हूँ। अच्छा, तो वो तुम हो, मेरे पिताजी के जान के दुश्मन, तुम जिसे मैंने पुलिस से बचाया, जिसकी मैंने एक भाई से बढ़कर सेवा की, और तुमने क्यों किया ऐसा? क्यों किया?
मैं तुम्हें बताती हूँ रेखा, वीरू ने ऐसा क्यों किया। लेकिन इससे पहले तुम्हें एक बात जाननी होगी। वीरू तुम्हें मिलने से पहले एक पत्थर था, सिर्फ एक पत्थर, और इस पत्थर को फूल तुमने बनाया है। तुम ही ने इसमें प्यार का एहसास जगाया है। तुम्हारी प्यार की दुनिया में आने के बाद वीरू जुर्म की दुनिया को भुला चुका था। लेकिन जब तुम्हारी शादी के लिए 50 लाख रुपए की जरूरत आ पड़ी, तो अनजाने में वीरू ने तुम्हारे बाप के दुश्मनों से सौदा कर लिया। अब 50 लाख रुपए की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने सबको सुन लिया रेखा। मेरे डैडी ने हमारे शादी के लिए तुम्हारे भैया से 50 लाख रुपयों की मांग की थी, और तुमने ये बात मुझसे छुपाए रखी। अरे मैं तो अपने डैडी को एक देवता समझता था, मगर वो, खैर, भाई साहब, अब आपको 50 लाख रुपयों के लिए और कोई जुर्म करने की जरूरत नहीं है। मैं रेखा से मंदिर में भी शादी करने के लिए तैयार हूँ। पिताजी इस वक्त कहाँ है? कैसी है तू? मेरी वजह से तुझे क्या क्या दुख नहीं सहने पड़े, मुझे माफ कर दे। ऐसा मत कहिए पिताजी, ऐसा मत कहिए। बेटे, ये इंसान नहीं, भगवान का भेजा हुआ अवतार है जो हमारी मदद करने के लिए जमीन पर आया है। देखिए, मैं कोई अवतार वफ्तार नहीं हूँ। आप ऐसी बातें करके वक्त सहा मत कीजिए। भाई साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, पुलिस भी आपके पीछे पड़ी हुई है। सिर्फ पुलिस ही नहीं, महादेव और शाहदेव जैसे भेड़िए भी आप लोगों की तलाश में निकले हुए होंगे। असली हत्यारे को पकड़ने के लिए और आपको बेकसूर साबित करने के लिए ये जरूरी है कि आप हर हकीकत खुलकर बताएं। मेरी जिंदगी से जुड़ी 3 हत्याओं की कहानी 5 साल पहले शुरू होती है। उस दिन मैं नाइट ड्यूटी पर था। अचानक पिस्तौल चलने की आवाज आते ही मैं वहां पहुंचा। मेरे सामने गैस कंपनी के मालिक जयदेव, उनकी पत्नी और उनके बच्चे की लाश पड़ी थी। मेरे सर पर वार किया, मैंने मुड़कर देखा तो जगराज हाथ में पिस्तौल लिए खड़ा था, और उसके बाद मैं बेहोश हो गया। और जब होश में आया तो सामने इंस्पेक्टर दिवाकर हाथ में हथकड़ी लिए खड़ा था। मैं अदालत में चीखता रहा, चिल्लाता रहा, पर मुझ बेकसूर की फरियाद किसी ने भी नहीं सुनी, किसी ने भी नहीं सुनी। इसका मतलब है उन 3 हत्याओं के पीछे जगराज का हाथ है। चक्कू है, बिच्छू को काटू तो बिच्छू मर जाए, बिच्छू को काटू तो बिच्छू मर जाए, नागन को छेड़ो तो नागन डर जाए, नागन को छेड़ो तो नागन डर जाए। मैं हूँ जहरीला बड़ा, मैं हूँ रंगीला बड़ा, मैं हूँ जहरीला बड़ा, मैं हूँ रंगीला बड़ा, मेरा गुस्सा मेरा प्यार दोनों बड़े खतरनाक, बिच्छू को काटो तो बिच्छू मर जाए, नागन को छेड़ो तो नागन डर।
बिच्छू मर जाए। अच्छा मेरी सहेलियों, मेरे कन्ने आप, और मुझे ये बताओ, मैं हूँ जीरो, नो 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 नो, तो मैं हूँ हीरो, यस 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 यस, मेरा नंबर, फाइव प्लस वन, मेरी टक्कर कन्ने चाकू है, बिच्छू को काटू तो बिच्छू मर जाए, बिच्छू को काटू तो बिच्छू मर जाए, नागन को छेड़ू तो नागन डर जाए, नागन को छेड़ू तो नागन डर जाए। बिच्छू को काटू तो बिच्छू मर जाए, बिच्छू को काटू तो बिच्छू मर जाए, नागन को छेड़ू तो नागन डर जाए, नागन को छेड़ू तो नागन डर जाए। चाकू है, बिच्छू को काटू तो बिच्छू मर जाए, बिच्छू को काटू तो बिच्छू मर जाए, नागन को छेड़ू तो नागन डर जाए, नागन को छेड़ू तो नागन डर जाए। मैं हूँ जहरीला बड़ा, मैं हूँ रंगीला बड़ा, मेरा गुस्सा मेरा प्यार दोनों बड़े खतरनाक, मेरे कन्ने चाकू है।
तू आ। जब तक इस जग में पाप का राज है तब तक जगराज है। आज से मेरे पापा, मैं भी आप लोगों के साथ इस मिशन में शामिल हूँ। हमें ये जानकर खुशी हुई जगराज कि तुम बंबई के डाउन होने के बावजूद हमारा साथ देने को तैयार हो। लेकिन मुझे बहुत दुख है, मैंने तुम्हारे बड़े भाई जयदेव का नमक खाया है। और जब नमक का हक अदा करने का मौका आया तो तुमने इतना बड़ा मिशन उस सुअर वीरू को सौंप दिया, उस वीरू को जो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन है, जिसकी वजह से बिजनेस में मैंने हमेशा नुकसान ही नुकसान उठाया है। ओह नो नो, और वो भी 50। इन दो मछलियों को देख रहे हैं ना जगराज, कैसे तड़प रही हैं जाल में फंसी हुई, और अब ये तड़प तड़प कर जान दे देंगी। और ऐसा ही कुछ हाल हम अपने उन दो दुश्मनों का करना चाहते हैं, ऐसा ही हाल करना चाहते हैं। एक मिसाल मशहूर है कि मछली को मछली के तेल से ही तलना चाहिए। वीरू और चंद्रकांत जैसी मछलियों को तलने के लिए मैं जिस तेल का इस्तेमाल करने वाला हूँ ना, उस तेल का नाम है मीना। अरे सविता देख, मैं कहाँ है? जब तक इस जग में पाप का राज है तब तक जगराज है। पता है, मैंने तेरी बेवकूफ बहन को इतना समझाया कि वीरू का पता बता दे, मगर वो नहीं मानी, इसलिए मेरे आदमियों को मजबूरन इसकी इज्जत लूटनी पड़े। मैंने कुछ नहीं किया क्योंकि मुझसे तो कुछ समझ गई ना। हाँ, मैंने इसकी पीठ में से सिर्फ थोड़ा सा खून बाहर निकाला, क्योंकि जो पैगाम तुम तक पहुंचाना था ना, उसके लिए ना तो मेरे पास पेन था और ना तो मेरे पास स्याही थी। कभी नहीं तूने मेरी बहन तुम्हारा, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी। छोड़ेंगे तो हम भी नहीं। वजह से आज मेरी नाक कट गई, वो छमक छल्लो मीना अपने कूले मटकाती हुई तुम लोगों की बेवकूफी की वजह से मेरे हाथ से निकल गई। हाय गुल सेठ, क्या बात है, बहुत दिनों के बाद मुझे याद किया। घर के एक दुश्मन की वजह से मुझे तुम्हारे पास आना पड़ा। घर का दुश्मन? मेरा बेटा। ओ, कहो तो चक्कू चला दूं? नहीं नहीं नहीं, मैं मेरे पागल बेटे की प्रेमिका रेखा को खत्म करने की बात कर रहा हूँ। आओ, मैं नहीं चाहता कि वो गरीब लड़की मेरे घर की बहू बने। तुम उस लड़की को किडनैप कर लो, मैं तुम्हें मुंह मांगा इनाम दे दूंगा। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, क्योंकि मेरे कन्ने क्या इंस्पेक्टर दिवाकर जो पहुंचाता है बड़े घर, तुम चंद्रकांत की बेटी रेखा हो ना? जी।
तुमने वीरू नाम के खतरनाक गुंडे के साथ मिलकर अपने बाप को जेल से भगाया है। ये सब झूठ है। सच और झूठ का फैसला बड़े घर होगा। चलिए आओ। इंस्पेक्टर दिवाकर, मेरी बहन कहाँ है? तुम्हारी बहन? जिसे तू झूठे इल्जाम में गिरफ्तार करके लाया है। रेखा कहाँ है? मैं किसी रेखा को नहीं जानता, लेकिन अच्छा हुआ तुम यहाँ आ गए वीरू दादा। तुम में से कोई भी मेरे पास आया तो तुम्हारे भेजे हवा में रुई की तरह उड़ते हुए नजर आएंगे। दुनिया में लाखों कमीने मरते हैं ना, तब कोई तेरे जैसा कुत्ता दिवाकर पैदा होता है। कानून के रक्षक होकर पापियों का साथ देते रहे, शैतान के भड़ुए, तुझसे तो वो भड़ुए अच्छे हैं जो औरतों की कमाई खाते हैं, और तू तो इस कुर्सी पर बैठ कर अपने देश अपने समाज के साथ गद्दारी करता रहा। इस कुर्सी इस वर्दी के लायक नहीं है। जल्दी बता रेखा कहाँ है, वरना मैं तेरे खून की एक बूंद छोड़ दूंगा। खबरदार किसी ने पीछा करने की कोशिश की, हट जाओ। आउच। चल बता, तेरा बाप चंद्रकांत कहाँ है? आगे से ही बताऊंगी। नहीं बताएगी ना तो मैं नाराज हो जाऊंगा। तेरे को पता है कि मेरे कन्ने चक्कू है, मैं इससे तेरा नाक काटूंगा, एक कान और एक आंख निकालूंगा, और मैं तेरा समझ गई ना, सब कुछ काट दूंगा। तेरे को बुरा तो नहीं लगेगा ना? चल बता। अरे बता 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 ना। नहीं बताऊंगी। क्यों नहीं बताएगी? अरे मुए, तू कहां से आया है? वीरू, सुअर कहीं के? तू अपने साथ वीरू को भी लेके आया है? ये क्या लाएगा मुझे साले, मैं इसे लेकर आया। रेखा को छोड़ दे वरना तेरी खोपड़ी उड़ा के रख दूंगा। छोड़ दो। उधर तेरी गोली चलेगी, इधर मेरा चक्कू इसकी प्यारी प्यारी गर्दन पर चल जाएगा। चल गोली मार 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 ना। कैसे मारेगा? चल मुए, वो तमंचा फेंक 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 ना। मारने के लिए भी दम चाहिए दम। मुआ मुझे मारेगा? मुझे? तमंचा, छक्को भांडो, मेरा थोबड़ा क्या देख रहे हो? पकड़ लो वीरू को। तेरे को हंसी क्यों आ रही है? इंस्पेक्टर दिवाकर, तू चल सबसे बड़े घर। शैतान तो उसी दिन मर गया था। ओ, 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 ओ। जिस दिन इस जग में जगराज पैदा हुआ था। कितनी बार मैंने कहा तुझे वीरू कि मुझसे दोस्ती कर ले कर ले कर ले, लेकिन मुआ तू करता ही नहीं है। अब जल्दी से बता दे तूने चंद्रकांत को कहां छुपा रखा है? तो समझता है मैं तुझे बता दूंगा? मैं जानता हूं कि तू मुझे नहीं बताएगा, इसीलिए तो मैंने रेखा को यहां बुला रखा है। अगर मेरी बहन को कुछ हुआ तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। ओह, बहन और भाई, इन दोनों में कितना प्यार। अब खेल का मजा आएगा।
इन दोनों को एक साथ बांध दो, टू इन वन, बांधो मुआ। आए टू एन वन, ये वीरू है वीरू, जिसने सारी जिंदगी औरत को खिलौने की तरह इस्तेमाल किया है। इसने आज तक ना तो किसी को अपनी माँ समझा है ना बहन, और आज इसकी जिंदगी में एक बहन आ गई है। सिस्टर, बताओ वीरू, इस लड़की के साथ बंधे हुए तुम्हें कैसा लग रहा है जिसे तुम अपनी बहन समझते हो? बताना वीरू। तू भाई बहन के प्यार को क्या समझेगा, जिस भवन ने इस लायक ही नहीं छोड़ा कि कोई तुझे भाई कह सके या बहन कह सके। बस कर वीरू, बस कर, तूने मेरी इज्जत को ललकारा है। अब तू जल्दी से मुझे चंद्रकांत का पता बता दे, वरना मुझे गुस्सा आ जाएगा। I shall be angry. Now, I am angry. तेरा जो जी चाहे कर ले, लेकिन मैं तुझे चंद्रकांत जी का पता नहीं बताऊंगा। अच्छा? ए, छोड़ दो रेखा को, मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं तो कुछ कर भी नहीं सकता। करेंगे ये बिच्छू। वीरू, जरा सोचो, जब ये काले काले प्यारे प्यारे बिच्छू तुमको टंक मारेंगे तो मुझको कितना मजा आएगा। नहीं जगराज, नहीं, तुम कुछ मत करना, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी। नहीं रेखा, तुम इसे कुछ नहीं बताओगी। जगराज, अगर मैं तुम्हें अपने पिताजी का पता बता दूं, तो तुम मेरे भैया को छोड़ दोगे। नहीं रेखा, इस हरामजादे को कुछ नहीं बताना। दिल तो नहीं करता, लेकिन तू कहती है तो छोड़ देता हूँ इसको। तू पकड़ इसको सखी, तू चल मेरे साथ, चल ना, चल, जल्दी से बता दे, बताना। इसे कुछ नहीं बताना। मेरे पिताजी इस वक्त महाकाली के खंडर में। भाई को बचाने के लिए इसने बाप को मरवा दिया। तू जाए यहां से। वीरू, मेरा दिल तो नहीं करता है, लेकिन मुझे तुझे मारना ही पड़ेगा। हाय, मैं तुझे ऐसी मौत मारूंगा कि मरने के बाद तेरा बेजान जिस्म मेरे नाम से कांपेगा। धोखा साहब, सुनो, मैं इसको आनंद गैस एजेंसी लेके जा रहा हूं, और तुम इसके बाप को महाकाली के खंडे से उठाकर वहीं पर ले आना। तुझको तो सांप और बिच्छू काटेंगे मुए, मुझसे दोस्ती नहीं की। चलो है तो क्या हुआ, कसूरवार तो मैं हूं ना। अरे तू जानती नहीं, मेरे कन्ने चक्कू है। चल ना, चल। अरे कदर की तरह हंसता मुआ, बंदूक मारना। नहीं, नहीं। मारना भी नहीं आता। अरे सर पे मारना।
ओए माँ, तुझे सांपों ने खाया नहीं, मैं मर गया। तुम दोनों भूल कर रहे हो महादेव, तुम्हारे भाई और भाभी का कातिल ये है। ओए, तुम्हें मुझसे बचने के लिए जमीन बहुत छोटी पड़ेगी। अपनी जबान से इकरार कर कि जयदेव और उसकी फैमिली के कातिल तुम हो। ओए माँ, ऐसा करना, हत्यारा मैं नहीं, पता हत्यारा कोई दूसरा है। बकवास मत कर, अगर तू हत्यारा नहीं तो फिर उनका खून किसने किया? बताता हूँ बताता हूँ। आज तक आप नकली सिलेंडर के अंदर असली सोना भरने का काला कारोबार करते रहे, मगर पुलिस तो क्या, आज तक आपके पार्टनर जयदेव को भी इसकी भनक नहीं हुई। वाह, क्या दिमाग है इंसान। उइमा, मैं नहीं जानता था कि मेरे पार्टनर होकर कंपनी के आड़ में तुम ऐसे गैर कानूनी काम करोगे। तुम्हारी जगह यहाँ नहीं, सलाखों के पीछे है। मैं भी पुलिस को फोन करता हूँ। तुम मेरे पुराने आदमी हो, इन तीनों के खून पर किसी और का नाम लिख दो और इस राज को तुम्हारे सीने के मकबरे में हमेशा के लिए दफन कर दो। और उस राज को मैंने अपने सीने के मकबरे में दफन करके चंद्रकांत को फंसा दिया। पता है, असली कातिल तो गुल आनंद है। गुल आनंद, हाँ मैं हूँ असली हत्यारा। जो मेरे साथ गद्दारी करता है उसका यही हशर होता है, चाहे वो मेरा बाप हो या अजीज दोस्त। महादेव, तुम्हारा भाई जयदेव, उसकी पत्नी और बच्चे की हत्या मैंने ही की। क्या? क्योंकि वे लोग ये रात जान गए थे कि मैं गैस कंपनी के आड़ में गैर कानूनी धंधा करता हूँ, और जो लोग मेरा राज जान जाते हैं उन्हें जान से हाथ धोना पड़ता है, क्योंकि मेरे बाप ने मेरा नाम गुल आनंद ऐसे ही नहीं रखा। जो लोग मेरे साथ आनंद से पेश आते हैं उन्हें मैं गुल यानी गुलाब की खुशबू देता हूँ, और जो लोग मेरे साथ क्रोध से पेश आते हैं उन्हें मैं गुलाब के कांटों की तरह चुभने पर मजबूर हो जाता हूँ। आज तुम सब लोग मेरा राज जान चुके हो, इसलिए आज तुम सबको मरना होगा। फिर तो आपको मुझे भी मारना होगा, क्योंकि मैं भी आपका राज जान चुका हूँ। अमित बेटे, मत कही अपनी गंदी जबान से मुझे बेटा। ये सुनकर मेरा सर शर्म से झुका जा रहा है कि मैं एक खूनी का बेटा हूं। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता था कि मेरा बाप एक खूनी है, एक देशद्रोही है। अच्छा,
तूने मेरी बहन को मार डाला, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। आग लगी है, आप अपनी जिंदगी के साथ मत खेलिए, इसके सिवाय कोई चारा नहीं है। आप मत जाइए, फिक्र मत करो रेखा, मुझे कुछ नहीं होगा। कमाल कर जाइए भाई साहब। क्या कहा चंद्रकांत जी? पानी? छोटे तुम्हें संभालो। नहीं भैया, मैं आप मुझे संभालिए, मैं कहीं से भी पानी तलाश करके लाता हूँ। संभाल के चंद्रकांत जी, संभल गए। भाई
चंद्रकांत जी को संभाल के ले जाना। आदमी सीधा साधा।